15 अप्रैल की स्थिति में मध्य प्रदेश के कोरोना की जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इसका लॉकडाउन का मूल उद्देश्य यह है कि कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को रोका दे और उसका जो साइकिल है, चेन ट्रांसमिशन की है, उसको रोकने की हम लोग कोशिश इस माध्यम से कर रहे हैं। और इस पीरियड में हम लोग जो आइडेंटिफाइड एरिया हैं उनकी टेस्टिंग बढ़ा सके, ये हमारा प्रयास है। तो लॉकडाउन को सख्ती से एनफोर्स करना और साथ में उस पीरियड में टेस्टिंग बढ़ाना हमारा मूलतः प्रयास है। आप समझते हैं कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी काम अगर कोई है तो वो टेस्टिंग है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा रहे हैं। आज के जो हमारे पास रिपोर्ट है तो हम पहली बार हमने 1500 से ज़्यादा सैंपल की एक दिन में टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करी। 1532 सैंपल की हमने टेस्टिंग करी। कल हमने भोपाल में अलग से एक अभियान चलाया और लगभग 700 सैंपल कलेक्ट किए। आज हम भोपाल में वापस काम कर रहे हैं, लगभग 1200, अर्थात 2 दिन में हम करीबन 2000 सैंपल भोपाल के उन एरिया में जहां बीमारी का प्रभाव है ले रहे हैं। और इन सैंपल्स को हमने दिल्ली में टेस्टिंग कराने की व्यवस्था करी है। कुछ दिनों में उसके आंकड़े भी आएंगे। कल जो टेस्ट हुए उसकी जो रिपोर्ट आई है उससे 257 पॉजिटिव केस कल मध्य प्रदेश में निकले हैं पिछले 24 घंटों में। उन 257 में से 173 केस इंदौर शहर के हैं, बाकी और जिलों में भी कुछ कुछ केस निकले हैं। भोपाल में खाली 11 केस थे, लेकिन भोपाल के टेस्ट की संख्या कम थी। अभी ये संख्या बढ़ेगी तो इसके परिणाम भी अपेक्षाकृत तो उसी तरह से हमको दिखाई देंगे। टेस्ट बढ़ाने से फायदा यह है कि हम लोगों को समय रहते अस्पताल में ले जा सकते हैं। मुझे ये बताते हुए आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि जैसे भोपाल में चिरायू हॉस्पिटल में करीबन अब 200 कोरोना पॉजिटिव पीड़ित हैं और उनमें से किसी एक की भी डेथ नहीं हुई है। अर्थात वो अगर हम जब उनको टाइमली आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल में भर्ती कर लिए तो उनके सर्वाइवल के 100% चांस बन जाते हैं। शुरुआत में इंदौर में कुछ दिनों दिक्कत हुई थी जब बहुत देर से मरीज अस्पतालों में जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि वहाँ टेस्टिंग पिछले कई दिनों से बढ़ गई है और लोग समय रहते अस्पताल चले जा रहे हैं तो वहाँ भी डेथ रेट में बहुत कमी आई है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले में डेथ रेट लगभग आधा रह गया है। मैं बार बार हर दिन आपसे ये कहना चाहता हूँ जो भी इस संदेश को देख रहे हों कि यदि उनमें बीमारी के लक्षण हों, खुद में हों, उनके आसपास हों। बीमारी के 3 लक्षण हैं, बुखार होना, खांसी आना और सांस लेने में तकलीफ होना। तीनों में से कोई भी लक्षण हो तो अपने जिले के कंट्रोल रूम को या 104-181 पे सूचना दें या अस्पताल चले जाएं, अपना टेस्ट करा लें। अगर आप समय रहते बता देंगे तो इस बात की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपका समय रहते इलाज हो जाएगा और उससे आप अपनी और अपने परिवार की सबकी सुरक्षा कर सकेंगे।